नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा 20 और 21 जून को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रांगण में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहाँ पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खेतान, पूर्व अध्यक्ष अरुण भारतीय, वरिष्ठ उद्योगपति और समाजसेवी राजेंद्र प्रसाद खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा की चेयरपर्सन रूबी गढ़वाला वाणी खेतान सहित तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर रूबी गढ़वाला ने बताया कि किरानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा का गठन पिछले साल मार्च महीने में हुआ था और पिछले साल पहली बार जून महीने में द ट्रेड शो का आयोजन किया गया था, जिसको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इस साल भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार 30 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें रानीगंज और आसपास के इलाकों की उद्यमी महिलाओं द्वारा अपने घरों से जो काम किया जाता है उसको ग्राहकों तक पहुंचाने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने का उद्देश्य रानीगंज और आसपास के क्षेत्र के उद्यमी महिलाओं को एक मंच प्रदान करना है, ताकि वो अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचा सकें और उनका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा रानीगंज से बर्फ पावर्स का एक हिस्सा है और इसी तरह से रानीगंज और आसपास के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। वहीं रोहित खेतान ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। वो महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे कि महिलाएं छोटे स्तर पर जो अपना काम कर रही हैं उसको एक मंच मिलेगा, जिससे कि वो अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचा सके और अभी जो वो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं उनको अपना दायरा बढ़ाने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि ये प्रयास विशेषकर छोटे स्तर पर काम करने वाली महिला उद्यमियों को अपने पंख पसारने का एक अवसर प्रदान करेगा। वहीं अरुण भरतिया ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा के गठन में राजेंद्र प्रसाद खेतान जैसे वरिष्ठ उद्योगपतियों का अहम किरदार रहा है। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के एक मंच की आवश्यकता पर जोर दिया और आज इस महिला शाखा द्वारा लगातार दूसरे साल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि रानीगंज और आसपास के क्षेत्र के महिलाओं को एक मंच मिलेगा, जिससे कि वो अपने उत्पादों को लोगों तक पहुँचा सके और अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि रानीगंज से बर्फ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वो बेहद सराहनीय है और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा इसके साथ है। उन्होंने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महिला शाखा दोनों के समन्वय से भविष्य में भी इस तरह के कार्य किए जाते रहेंगे। पिछले वर्ष मार्च महीने में हम लोगों ने आरसीसी लेडीज विंग का गठन किया था, जिसमें आरसीसी लेडीज विंग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक यूनिट है और इसमें रानीगंज और आसपास के एरियाज की उद्यमी महिलाएं जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जून महीने में द ट्रेड शो को आयोजित किया था और वह काफी सफल रहा था। उसकी सफलता को देखते हुए इस वर्ष भी हम लोगों ने दोबारा से 20 और 21 जून को सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में द ट्रेड शो 2024 आयोजित किया है। इस ट्रेड शो में आरसीसी लेडीज विंग की मेंबर्स के द्वारा ही टोटल 30 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और इन स्टॉल्स में है कुर्ती, नाइटवेयर, बेडशीट, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, होम डेकोर, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और खाने पीने के अलावा भी कई तरह के सामान रखे गए हैं। रानीगंज की महिलाएं जो अपने घरों से छोटे स्तर पर कार्य करती हैं, उनके उत्पादों को और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना ही हम लोगों का उद्देश्य है। लगभग कितना स्टॉल रहेंगे इसमें? 30 स्टॉल्स बताएंगे। हम लोग ये निरंतर कोशिश करते हैं कि इन महिलाओं को यह मौका दिया जाए कि वो अपनी पहचान बना सके और इस तरह के ट्रेड शो में शामिल होकर उन्हें यह मौका मिलता है कि वो डायरेक्ट अपने कस्टमर्स से मिल सके और अपना मार्केट का जो एरिया है, स्कोप है, उसे बढ़ा सके। और हम लोगों ने इस बार ट्रेड शो में शॉपिंग के साथ साथ गेम्स की भी व्यवस्था की है। कई तरह के गेम्स रखे जा रहे हैं, जैसे लॉटरी, एवरी आवर, डाइस गेम, पजल गेम, रैपिड फायर और भी कई तरह के गेम्स रखे जाएंगे और सभी विजेताओं के लिए खूब सारी प्राइजेस भी रखी जाएंगी। तो सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आइए, इस ट्रेड शो में शामिल होइए और खूब सारी शॉपिंग कीजिए, गेम्स खेलिए, प्राइजेस जीतिए और हमारी जो वुमेन एंटरप्रेनर्स है उन सबका हौसला और मनोबल बढ़े। बताना चाहता हूं कि ये आरसीसी लेडीज विंग का जो गठन हुआ है उसके पीछे हमारे एडवाइजर श्री आर पी खेतान जी एवं हमारे और भी गार्जियंस का ड्रीम था कि एक रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक आरसीसी लेडीज विंग हो,
इस लेडीज विंग गठन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि रानीगंज में जो वुमेन एंटरप्रेनर्स है उनको हमको बढ़ावा देना है, उनके सर्विसेज एवं उनके द्वारा किए गए बिजनेस को सबके सामने लाना है और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इसी तहत रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स आरसीसी लेडीज विंग के साथ मिलकर टाइम टू टाइम कुछ काम करती है, इसमें ये ट्रेड शो वन ऑफ द पार्ट है। इस ट्रेड शो के माध्यम से हम हमारी रानीगंज की जो भी नारियां अपने घर में चार दीवारी में काम करती है उनको हम एक्सपोजर देते हैं हमारे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेड शो के माध्यम से, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स वो अपनी सर्विसेज को सबको दिखा सके और फ्यूचर में जिनको भी ये सर्विसेज लगे वो उन तक अप्रोच कर सके, यही हमारा मेक मुख्य उद्देश्य है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग का गठन गत वर्ष हुआ था और वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन हमारी ट्रेजरर और सीए रूबी गढ़वाला है और इसके एडवाइजर श्री अरुण भंटिया जी हैं, उनकी चैम्बर के हमारे चेयरपर्सन भी हैं। इनके अंडर में जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग है उसमें आज 130 मेंबर्स हैं। रानीगंज के विभिन्न क्षेत्रों से, व्यवसाय से, वाणिज्य से जुड़ी 130 महिलाएं इस लेडीज विंग की मेंबर हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक ट्रेड शो का आयोजन किया था, एक बहुत ही सफल आयोजन किया था जिसमें करीब 28 लेडीज ने अपना यहाँ पर एग्जीबिशन किया था और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा था। उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए इस साल भी आगामी 20 जून एवं 21 जून को प्रातः 11 बजे से संध्या 8 बजे तक एक ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी लेडीज विंग की 30 उद्यमी लेडीज अपना एग्जीबिशन अपने स्टॉल्स यहाँ लगा रही हैं। उसमें वस्त्र, खाने पीने की वस्तुएं, होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्स, राखी, इसके अलावा भी विभिन्न तरह के स्टॉल्स यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो आज की यह जो प्रेस वार्ता है यह इसके थ्रू हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसकी लेडीज विंग अपील करना चाहेंगे रानीगंज और आसपास की जनता से कि आइए इस दो दिन की प्रदर्शनी में चैम्बर में विजिट कीजिए, सारे स्टॉल्स में देखिए, जो लेडीज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट कीजिए, इनका उत्साह बढ़ाइए और इस प्रदर्शनी को सफल बनाइए, क्योंकि लेडीज का सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है उसमें लेडीज को घर के अलावा बाहर के कामों में भी अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी हमारी देश हमारा समाज आगे बढ़ सकता है और रानीगंज चैम्बर उसी उद्देश्य को लेकर इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। लगाया जा सकता है कि लास्ट ईयर जिन्होंने भी इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था मैक्सिमम सभी ने पुनः इस साल पूरे उत्साह के साथ वापस अपना स्टॉल लगाने के लिए वो लोग सामने आए हैं, इसी से उसकी जगह और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था और हम लोग आशा करते हैं कि इस बार का रिस्पांस पिछली बार से भी अच्छा मिले। इस ट्रेड शो से छोटे बिजनेस के उद्योग जो छोटे उद्योग के बिजनेस उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इससे मेनली छोटे वालों को ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो इसमें लेडीज जुड़ी हुई है वह सब अपने लेवल पे एक छोटे स्तर पे काम कर रही है। हमें आशा है कि इससे उनका उत्साह वर्धन होगा, मोटिवेशन होगा और वो अपने व्यवसाय का स्वरूप और साइज दोनों बड़ा करने में कामयाब होंगे।